Students, today the same chapter current electricity I will proceed further. One question that is based on the resistance I will explain, that is numerical problem based on resistance. ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, रेजिस्टेंस पर बेस्ड है. वन सच क्वेश्चन इज चलिए, ये क्वेश्चन एक सेट दिया हो आपका, रेजिस्टेंस का कई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है. हमको फाइंड आउट करना है कि आखिर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई हैव टू कैलकुलेट. जरा गौर कीजिएगा, ये जो करंट जो इससे पास करेगा, वही करंट, सेम करंट विल पास थ्रू हियर ऑल्सो. दैट मीन्स 10 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. ये दोनों क्या है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है. जब सीरीज में है तो मेरा ये जो सर्किट हो जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा. ये रहा इधर आपका 10 ओम, ठीक है, और ये दोनों कंबाइन टुगेदर कितना हो गया, 15 ओम. तो ये रहा आपका 15 ओम, और इसके साथ यहाँ पर अटैच्ड है 5 ओम, और इसको अगर हम ले लें इस तरह से तो यहाँ नीचे आकर के आपका होता है इधर 15 ओम. ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब दिस फिगर इज रिड्यूस टू दिस फिगर. इसको हम लोग रिड्यूस किए, 10 और प्लस 5 सीरीज था, उसको हमने 15 लिखा है. 5 ओम इसके साथ कनेक्टेड है, दोनों पॉइंट वो ये रहा, ये फिगर बदल गया आपका, इधर हो गया. अब देखते हैं यहाँ पर, इट इज़ क्वाइट क्लियर, एकदम बहुत सिंपल है कि 15 ओम एंड 5 ओम ये दोनों ही पैरेलल कम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल है. तो 15 और 5 का जो हमारा जो पैरेलल होगा वैल्यू, वो आपको पता ही है किस तरह से निकालते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5. ये हमारा इसका वैल्यू होगा, कितना हो जाएगा, 75/20. ठीक है, तो ये 75/20 इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15/4 ओम. ये इसका मतलब, अब हम अगर इसको एक और फिगर हम ड्रॉ करें इसके जगह, तो अब मेरा फिगर और इसको स्ट्रेच कर दें वायर को इस तरह सीधा, तब बनेगा ए पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं 10 ओम, ये रहा 10 ओम. नेक्स्ट ये दोनों जो कंबाइन टुगेदर जो इसका वैल्यू है, जो हमारा आ रहा है 15/4, इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, दिस बिकम 15/4, और इसके साथ अटैच्ड ये वाला पोर्शन है, ये है आपका 15 ओम. ये कंप्लीट है, और ये साफ साफ आपको नज़र आ रहा है अब कि तीनों क्या है, ऑल थ्री आर इन सीरीज, तीनों सीरीज में है. तीनों का अब हम लोग ऐड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करें, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तब मेरा ये हो जाएगा 10/15/4+15, मतलब कितना हो जाएगा, 15+10 = 25, और +15/4 ओम. इसको सॉल्व कीजिए तो 115/4 ओम. ट्वेंटी ओम इसका आपका वैल्यू आ रहा है. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको. फोल्डिंग सेमेट्री पर बेस्ड है. फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर उसको फोल्ड किया जाए तो ये रेजिस्टेंस इसको ओवरलैप करेगा, ये इस पर ओवरलैप करेगा, ये इस पर ओवरलैप करेगा, कहने को तो कंप्लीट एक दूसरे को ओवरलैप अगर करता है, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे क्या करेंगे, हाफ निकालेंगे, और हाफ दोनों सीरीज में हो जाएगा, दोनों का एडअप करेंगे. हाफ का मतलब यहाँ पर अगर मैं एक बेस लाइन खींचूँ इस तरह से, ये लाइन,
ये लाइन तो दोनों दो पार्ट में पूरे रेजिस्टेंस को ये बांट रहा है दो पार्ट में, जो इधर है उतना ही पार्ट इस साइड है। ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। एक कंडीशन उसमें यह है कि कोई भी रेजिस्टेंस इस लाइन पर, यह वर्टिकल है ठीक है, तो इस वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल तो हो सकता है लेकिन वर्टिकल क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी इस तरह से रेजिस्टेंस नहीं आ सकता जो इसमें नहीं है, जो भी इस तरह से क्रॉस कर सकता है जैसा कि यह क्रॉस किया। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और ईच हैविंग सबका जो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस इसमें रेजिस्टर्स यूज है सभी का रेजिस्टेंस कितना है आर है। तो ये जो पोर्शन जो बीच से ब्रेक किया तो ये आपका हो जाएगा आर बाय टू और उसी तरह से यहाँ भी ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका आर बाय टू। अब हम लोग इसको दो कट में अलग लेकर के देखते हैं वो किस तरह से बनेगा ठीक है। इसको दो पार्ट में कट करते हैं तो ये जो देख रहे हैं यहाँ से R बाय टू, ये रहा आपका R बाय टू, यहाँ से एक रेजिस्टेंस R और इस तरफ जो हमारा ये पोर्शन है और ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा A और इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये पॉइंट B है। सेम फिगर हमारा आधा कट करने के बाद ऐसा बनेगा ठीक है। और अब हम लोग इसमें ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे आप, ये R बाय टू एंड R बोथ आर इन पैरेलल, उसी तरह से यहाँ पर R बाय टू और R ठीक है, इस जगह आपका यहाँ पर R बाय टू एंड R, ये दोनों जैसे ऊपर है वैसे नीचे, ये भी क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। और आपको पता है कि R बाय टू एंड R द पैरेलल जो आपका है कौन सा, R एंड R बाय टू ठीक है, इक्वी वैलेंट टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू आर बाय टू अपॉन R प्लस R अपॉन टू। ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये हो रहा R स्क्वायर बाय टू अपॉन थ्री R बाय टू, ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर बाय टू इंटू टू अपॉन थ्री R, टू कैंसिल, वन R कैंसिल, ये पूरा आ गया R बाय थ्री। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि ये जो रेजिस्टेंस को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये कितना जाएगा R बाय थ्री होगा। उसी तरह से ये जो पोर्शन है आपका ये भी पोर्शन R बाय थ्री के इक्विवेलेंट होगा। कहने का मतलब इसके लिए अगर हम दूसरा फिर फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसका फिगर बनेगा, ये समझ गए आप किस तरह से R बाय ये पूरा पोर्शन इसको हम लोग निकाले हैं और ये दोनों कंबाइंड आगे फिर हम एक और फिगर ड्रॉ करेंगे। इसको दिस फिगर रिड्यूसेस टू दिस, कैसे हुआ ये, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये R बाय टू प्लस R, ये R बाय थ्री है, सिंपल इन दोनों को हमने रिप्लेस किया और दोनों के जगह हम यहाँ पे R बाय थ्री लिख रहे हैं और ये रहा हमारा R, फिर ये यहाँ से कनेक्ट है, ये R आपका इधर है और सेम चीज़ इस तरफ R बाय थ्री और ये R कनेक्टेड है। ये मेरा इसके बाद का स्टेप है। फिर आप देख ही पा रहे होंगे कि आपका ये जो R है और ये R बाय थ्री है, सेम करंट विल पास, मतलब R एंड R बाय थ्री आर इन सीरीज, यहाँ पर भी R R बाय थ्री सीरीज में है। तो ज़रा सा वैल्यू हम लोग देख लेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड R बाय थ्री ये जो वैल्यू कितना होता है आपको पता ही है, R प्लस R बाय थ्री क्या हो जाएगा, ये 4R बाय थ्री। इसका मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R बाय थ्री और ये जो पोर्शन है ये वाला भी पोर्शन 4R बाय थ्री होगा टोटल। मतलब अब जो फिगर जो मेरा होगा वो बन जाएगा आपका, इससे कंबाइन करते हैं ये दोनों एक साथ लेते हैं, ये आ गया 4R बाय थ्री, 4R अपॉन थ्री। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हम देख पा रहे हैं इस जगह ये R रहा मेरा, इसको कंबाइन करेंगे और यहाँ से एक और जो रेजिस्टेंस है वो है 4R अपॉन थ्री और ये जो पॉइंट है बीच का मिडिल पोर्शन है, बीच का कट पोर्शन है ये ठीक है, ये ए बी ने इसको आर्बिट्री पोर्शन ले लीजिए, बी डैश ले लीजिए क्योंकि बीच को कट किया है, इसको हम लोग मान रहे हैं, फिर उसको अटैच करेंगे हाफ पोर्शन। तो अब इसको देखिए 4R बाय थ्री R एंड 4R बाय थ्री तीनों क्या है, ये ऑल थ्री आर इन पैरेलल। तो इसका हम लोग निकालेंगे वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता है वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय आर इज इक्वल टू 3 बाय 4R प्लस 3 अपॉन 4R प्लस 1 अपॉन R, ये इसका वैल्यू होगा। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल है, 4R तो LCM आएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3
प्लस थ्री प्लस आर है यहाँ तो फोर, फोर थ्री सेवन थ्री टेन, ये आ गया आपका टेन बाय फोर आर, दो से डिवाइड कीजिए टू, ये आ गया आपका फाइव बाय टू आर, मतलब आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा टू आर अपॉन फाइव, इतना ओम। कहाँ तक का है ये वैल्यू, ये हाफ पोर्शन का आपका है, इसका हम लोग निकाले आधे का, और जब उधर अटैच होगा तो टोटल क्या हो जाएगा सीरीज में, इसका मतलब है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आया मेरा जो इक्विवेलेंट मांग रहा था वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2R के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये R इधर का निकला पोर्शन और R उधर जो अटैच होगा उतना ही उधर भी आएगा, तो इन टोटल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो हम लोग बी डैश लिए थे तो क्या हो जाएगा ये दोनों मिलकर 2R, तो मतलब 2R आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2R अपॉन 5, मतलब ये हो गया आपका 4R अपॉन 5 0.8R, ये इसका आंसर हुआ। आर का जो वैल्यू देगा हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन हुआ, नोट कीजिए इसको।